I figured out that how you can become an independent trader. Hi, it's Hardik. And it is not basically what you expect, like trading in options or doing intraday trading or becoming rich from investment, which will take you like 15, 20 years easily. It is something else. But let me settle down first. I set my camera. Yeah. अब जब कोई ऐसी वीडियो देखता है तो आपके माइंड में आएगा कि यार अब या तो मैं अपना कोई कोर्स बेचूंगा वीडियो के एंड में या फिर कोई पीडीएफ बेचूंगा या समथिंग लाइक दैट. बट बिलीव मी, आई हैव नथिंग टू सेल यू टुडे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो लेट्स डिग इन टू दिस टॉपिक दैट हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. तो देखो, टू बिकम प्रॉफिटेबल इट इज सिंपल मैथ्स दैट योर प्रॉफिट शुड बी bigger than your losses. अब a lot of people इसको देख के शायद वीडियो को बंद कर दें because they were expecting some fancy indicator या fancy strategy जिससे profitable बनोगे. तो you can do if you want that, but I am here to share you the truth कि how you can do it. So if you stay till the end of the video, I am sure कि आपको पता चल जाएगा that कैसे होता है, जो profitable लोग हैं कैसे trade करते हैं. And if you really want to do this, then this is the most important. सो लेट अंडरस्टैंड दिस. तो मैंने आपको बोला दैट योर प्रॉफिट शुड बी बिगर देन योर लॉसेस, राइट. अब प्रॉफिट्स को आप लोग बड़ा और लॉसेस को छोटा कैसे कर सकते हो, या फिर आप कह लो कि जो पर्टिकुलर चीज़ है कि योर प्रॉफिट शुड बी बिगर देन योर लॉसेस, इसका सिंपल सा मतलब है ये सिर्फ दो ही तरीके से हो सकता है. फर्स्ट वे कि आप अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को होल्ड करो, और सेकेंड वे क्या है कि आप अपने लॉसेस को एज सून एज पॉसिबल कट करो. बट जो जनरल पब्लिक होती है या जो जनरल लोग होते हैं वो इसका ऑपोजिट ही करते हैं. उनका प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो फटाफट एग्जिट कर देते हैं. मतलब लेट से अगर आपने किसी स्टॉक में आज एंटर करा एंड इट गोज अप बाय 20% इन अ सिंगल डे, अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू, दे जस्ट बुक देयर प्रॉफिट्स. एंड ऑन दी अदर साइड आपने आज किसी स्टॉक में एंटर करा एंड इट गोज डाउन बाय लेट से 7-8%, तो दे डू टू थिंग्स. या तो वो और बाय कर लेंगे कि हाँ यार अब एवरेज आउट हो जाएगा, या फिर वो उसको होल्ड करके बैठेंगे कि अगर वो मेरी कॉस्ट पे आएगा तो मैं उसमें से एग्जिट करके, मतलब तो मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दूंगा, विच इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट देन थिंग जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स करते हैं. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये चीज़ 100% करते हो, बट बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, कि आपको ये चीज़ अवॉइड क्यों करनी है. ओके, बट बिफोर दैट थोड़ा सा अगर हम टेक्निकली समझे कि ये पॉसिबल कैसे है, मतलब हाउ वी कैन कीप आर प्रॉफिट्स बिगर, हम अपने प्रॉफिट्स को कैसे बड़ा रख सकते हैं एंड अपने लॉसेस को छोटा कैसे रख सकते हैं. तो इसका सॉल्यूशन इज सिंपल दैट इन चार्ट्स, सी आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर, सो मैं फंडामेंटल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, आई जनरली ट्रेड ऑन द चार्ट्स. तो चार्ट्स पर यू हैव टू फाइंड आउट अ पॉइंट जहाँ से देर इज़ अ एक्यूरेसी कि अगर स्टॉक मूव करे तो अपसाइड पर वो एक बिग मूव दे, और अगर वो लेट से आपने बाय करा और अगर वो नीचे भी चले जाए तो डाउनसाइड पर आपको एक ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ से अगर वो नीचे जाए तो यू हैव टू बुक द लॉस. एंड यू जस्ट हैव टू कीप दिस इक्वेशन इन योर माइंड एवरी टाइम व्हेन यू आर ट्रेडिंग कि आपके प्रॉफिट शुड बी बिगर देन योर लॉसेस, दैट्स ऑल. तो इसमें क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो. सो आई पर्सनली ट्राई टू फाइंड आउट अ पॉइंट जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. ओके, सो इफ आई गिव एन एग्जाम्पल, सो लेट मी ओपन माई ट्रेडिंग व्यू. सो आई हैव ओपन माई आई पैड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टूडे. या सो लेट से माई रिसेंट ट्रेड इफ आई टॉक अबाउट, सो वन ऑफ माई रिसेंट ट्रेड वॉज इन स्केंज. सो इफ आई ओपन इट, सो सी I entered in Keynes around this point. So now understand what I'm trying to say. This is a point as per my technical knowledge कि अगर मैं यहाँ पर enter करूँगा तो ये ऊपर जाने के chances है. तो पहली चीज़ तो वो है that you have to keep the probabilities in your favor, जिस पर हम आने वाली वीडियो में आएंगे. But अभी आप सिर्फ bigger profit and smaller losses का मतलब समझो. But most importantly ऊपर जा सकता है. Okay, मेरे को कोई guaranteed नहीं पता था कि जाएगा, right? बट द पॉइंट इज कि अगर वो ऊपर जाएगा तो वो 15-20% की रेंज में ऊपर जाएगा.
एंड अगर वो नीचे जाएगा तो आई विल बुक माई लॉस अराउंड दिस पॉइंट विच इज़ बेसिकली ऑफ 3%. तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ट्रेड लेने से पहले मेरे को पता था कि अगर मेरा लॉस होगा तो दैट विल बी इन अ रेंज ऑफ 3-4%, और अगर प्रॉफिट होगा दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 15-20%, विच सिंपली मीन्स कि अगर लेट्स से मैं 10 ट्रेड लेता हूँ एंड आफ्टर दैट 10 ट्रेड्स, लेट्स से मेरे 5 ट्रेड ठीक है एंड मेरे 5 ट्रेड गलत है, अगर मेरे जो 5 ट्रेड गलत है उसमें अगर 4% भी चला जाए, आई एम गोइंग टू लूज लेट्स से 20%, अगर हम कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी रखें. और अगर मेरे लेट्स से 5 ट्रेड्स ठीक है और अगर उसमें मैं लोअर साइड पे 15% भी करता हूँ, आई एम गोइंग टू मेक 75%. और अगर मैं इसको माइनस कर लूँ टेक्निकली आई विल बी 55%. दिस कैलकुलेशन इज रॉन्ग, ऐसा परसेंटेज में नहीं होता क्योंकि इट विल बी बेसिकली ये आर में कैलकुलेट होता है. अभी उतना डेप में नहीं जाते, आने वाली वीडियो में उसमें भी जाएंगे, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि अगर मेरे 5 ट्रेड ठीक जाते हैं जिसमें मेरा 15% का प्रॉफिट होता है तो मेरे प्रॉफिट्स आर वे बिगर देन माई लॉसेस, राइट. एंड अगर आप ऐसी सिंपल कैलकुलेशन भी कर लो देन जो आपका रिजल्ट आएगा इट विल बी अ पॉजिटिव रिजल्ट. ओके, बट अब आप मेरे से पूछोगे यार कि ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कैसे करें, बट अगेन आप फिर से उसी पॉइंट पे जा रहे हो. इट इज़ नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी इज इम्पॉर्टेंट, येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट द मेन थिंग इज कि आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, लेट्स से इफ़ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर, जनरली आई डोंट ट्रेड इंट्राडे, आई नॉट इवन रिकमेंड डूइंग इंट्राडे बिकॉज देर इज़ अ नेगेटिव एज. आई वुड से इंट्राडे में स्टिल यू कैन मेक मनी, बट इन ऑप्शन बाइंग देर इज़ अ नेगेटिव एज. वॉट इज एज? अ लॉट ऑफ टाइम आपने ट्रेडर्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि यार एज होनी चाहिए, योर सिस्टम शुड हैव एन एज. अगर आप बुक्स रीड करते हो या सच में ट्रेडर्स को फॉलो करते हो तो आपने सुना होगा दैट योर सिस्टम शुड हैव एज. एज का सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपके नंबर ऑफ बेसिकली जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है अगर आप उसमें मल्टीप्लाई कर दो योर एवरेज प्रॉफिट्स माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस ट्रेड्स माइनस एवरेज लॉस, दिस इज वॉट एन एज इज, दैट्स ऑल. ओके, बट अगेन कमिंग बैक टू द वीडियोज टॉपिक कि हाउ यू कैन कीप योर प्रॉफिट्स बिगर वॉट एवर योर स्ट्रैटेजी इज, इट इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग आउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, बट जो भी आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो हाउ यू कैन कीप योर प्रॉफिट्स बिग. सो पहला रूल विच इज़ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल रूल इज दैट यू डोंट हैव टू बुक योर प्रॉफिट्स अर्ली. अब इसका भी मैं सॉल्यूशन बताता हूँ. तो सी, जब मैंने ट्रेडिंग सीखी थी तो आपकी तरह ऑब्वियस सी बात है आई हैव ऑल्सो वॉच्ड अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस, एंड यूट्यूब वीडियोस में जनरली एक चीज़ बोलते हैं विच इज़ 100% रॉन्ग मेरे अकॉर्डिंग, विच इज़ कि रेजिस्टेंस पर आप अपना बुक कर लो प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है उसका चार्ट इस तरीके का है एंड लेट्स से आप उसको इधर बाय करते हो, सो अ लॉट ऑफ टाइम पीपल टीच यू ऑन यूट्यूब कि आप रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट को बुक कर लो, राइट. तो अगेन मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है बिकॉज हु आर यू टू कीप अ टारगेट, यू डोंट नो द टारगेट, एंड ऑनेस्ट आंसर इज दैट ओनली. हाँ, एक चीज़ अलग है, लेट्स से इस पॉइंट पे बहुत सारी वॉल्यूम सप्लाई आपको दिख रही है देन यू माइट बी थिंकिंग, तो आप शायद मतलब बुक करने की सोच भी सकते हो, यू माइट थिंक ऑफ बुकिंग द प्रॉफिट, राइट. बट अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है इट डजेंट मेक एनी सेंस टू बुक अ प्रॉफिट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. एंड इनफैक्ट मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसमें पहला रूल यही है दैट आई एंटर बिफोर द ब्रेकआउट एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल का ब्रेक होके एक ब्रेकआउट आएगा. ओके, सो फर्स्ट रूल इज दैट ओनली कि अपने प्रॉफिट्स को जल्दी बुक मत करो, फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकेंड रेजिस्टेंस इन पे बुक मत करो, ट्राई टू फाइंड आउट अ स्टॉक जिसमें रेजिस्टेंस पॉइंट पर ऐसा वॉल्यूम का प्रेशर ना हो. इफ़ आई शो यू एन एग्जाम्पल, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इधर भी ये रेजिस्टेंस था, राइट. रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, पॉइंट जहाँ से स्टॉक नीचे आया, बट मैंने यहाँ पर बुक नहीं करा. वाई? क्योंकि लेट मी क्लियर दिस थिंग आउट. क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर ऐसा कुछ मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ बुलिश कैंडल एंड बुलिश कैंडल पे इफ देयर इज अ गुड वॉल्यूम इट सिंपली इंडिकेट दैट बायर्स आर एंटरिंग इनटू दिस स्टॉक, ठीक है. तो यहाँ पर मुझे अगर कुछ सप्लाई का इंडिकेशन नहीं दिख रहा देन नेवर कीप अ प्रॉफिट बुकिंग टारगेट अराउंड दैट रेजिस्टेंस लेवल. इस चीज़ को हमेशा रखना, क्योंकि अगर आप उधर बुक करोगे तो आपका प्रॉफिट, आप अपने प्रॉफिट्स को कैप कर रहे हो. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी में कोई भी ऐसा रूल है
जिससे आपके प्रॉफिट्स कैप हो रहे हैं। अगर अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू, वो ट्रेड लेन से पहले मान लेते हैं कि यार लेट से मेरा 5% का रिस्क है, आई विल बुक माई प्रॉफिट एट 10%, 1:2 का प्रॉफिट लूंगा। बट द पॉइंट इज कि 1:2 में भी आप अपने प्रॉफिट को कैप कर रहे हो सकता है वो स्टॉक 50% बढ़ जाए, राइट? अ लॉट ऑफ टाइम इट हैपन्स। जैसे इफ आई शो यू वन ऑफ अगेन, एक और ट्रेड अगर मैं आपको दिखाऊँ अपना, सो देयर इज अ स्टॉक कॉल्ड बालू फोर्ज, आई एंटर्ड इट अराउंड मे बी शायद आइदर हेयर और हेयर, राइट? सो फ्रॉम दैट पॉइंट इट इज़ अप अप्रॉक्सीमेटली 150%। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी में रूल बना रहा हूँ कि मैं पहला प्रॉफिट लेट्स से 2 times अंदर रिस्क पे बुक कर लूँगा या 5 times अंदर रिस्क पे बुक कर लूँगा, देन आई विल नेवर बी एबल टू कैप्चर बिग मूव्स इन द स्टॉक, राइट? तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी में कोई भी ऐसा रूल है जहाँ पे आपके प्रॉफिट्स कैप हो रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी को मतलब उससे वो रूल हटाओ जैसे भी करके। ट्राई टू लर्न मोर अबाउट टेक्निकल्स, ट्राई टू लर्न कुछ उसमें ऐड करो जिससे वो रूल आपका हटेगा। सो ये आपका क्लियर हुआ आई होप। सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको लेट से अगर आपकी स्ट्रैटेजी यही है, तो देयर इज़ वन काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, सी आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर, बट देयर आर सम पीपल हु आर रेंज बेस्ड ट्रेडर। व्हाट डू आई मीन बाय रेंज बेस्ड ट्रेडर्स? रेंज बेस्ड ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो लेट से एक स्टॉक है उसके बीच की रेंज में वो ट्रेड करते हैं, जब भी नीचे आता है वो बाय कर लेते हैं, जब भी ऊपर जाता है वो सेल कर देते हैं। दे आर लाइक दिस काइंड ऑफ ट्रेडर, विच आई एम नॉट। तो इफ यू आर दिस काइंड ऑफ ट्रेडर, देन एंड ओनली देन इट मेक्स सेंस टू एग्जिट हियर। बट इसमें भी रिमेंबर वन थिंग कि ट्रेडिंग में अगर आप लॉजिकली सोचोगे ना, सो आई एम टेलिंग यू अ फैक्ट, आई एम नॉट, ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, तो ये फैक्ट है कि जो बेस्ट ट्रेडर्स होते हैं उनकी जो एक्यूरेसी होती है दैट इज लेस देन 50%। इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता है कि आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, राइट? विच मीन्स कि ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता है कि अगर आपका प्रॉफिट इज नॉट बिगर देन योर लॉस, तो यू विल बी अल्टीमेटली अ लॉस ट्रेडर, राइट? तो इफ़ यू आर अ रेंज बेस्ड ट्रेडर, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है इस रेजिस्टेंस लेवल पे प्रॉफिट को बुक करना, तो मेक श्योर कि आप एक ऐसे पॉइंट पे ही एंटर करो जहाँ आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड, कि अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो इसके नीचे आप लॉस बुक करोगे एंड यहाँ पे आप प्रॉफिट लोगे, इट शुड बी एटलीस्ट 1:3। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि 1:2 बहुत है, एक्चुअल में 1:2 इज अ स्कैम। वाई? क्योंकि 1:2 आपने मैथमेटिकली बोल दिया, बट कुछ ट्रेड ऐसे भी होंगे जो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होंगे, कुछ ट्रेड ऐसे भी होंगे जो सिर्फ 1:2 यू कैन से 0.5 में होंगे, राइट? तो अगर ये पहली आपका 1:2 है तो आपका जो एवरेज रिस्क रिवॉर्ड निकल के आएगा वो कभी भी 1:2 होगा ही नहीं। बट अगर आप 1:3 पे कर रहे हो तो हो सकता है आपका एवरेज एटलीस्ट 1:1.5 तक आ जाए, और अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है तो स्टिल यू कैन मेक योर सेल्फ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड वे टू मेक दैट थिंग पॉसिबल टू कीप योर प्रॉफिट्स बिग एंड लॉसेस स्मॉल इज दैट कट योर लॉसेस एज सून एज पॉसिबल। अब इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया, आई ट्राई टू फाइंड आउट अ पॉइंट विच इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट एंड आई एंटर अबव दैट कॉन्ट्रैक्शन कीपिंग अ स्टॉप लॉस बिलो दैट। सो वाई? ये कॉन्ट्रैक्शन कोई मैजिकल, इट्स नॉट अ मैजिकल कॉन्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली आई हैव रीजन बिहाइंड इट, ऑब्वियसली आई हैव स्ट्रैटेजीज बिहाइंड इट, बट द पॉइंट इज कि कॉन्ट्रैक्शन का रीज़न रिस्क मैनेजमेंट का ज़्यादा है कि अगर नीचे जाएगा तो मुझे पता है कि मेरा लॉस इतना ही होने वाला है, 3-4%, कभी कभी माई स्टॉप लॉस इज इवन 1.5%। ओके, तो लेट से अगर आप कभी भी ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि अलॉट ऑफ पीपल जो स्पेशली बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं दैट उन्होंने ट्रेड लिया एंड उनका एक्चुअल में कोई स्टॉप लॉस नहीं है, लेट से मतलब जनरली ये ओल्डर एज वाले लोग होते हैं, सो इफ़ यू आर 30, 40, 50, 60 यू विल कोरिलेट विद मी। तो लेट से आप न्यूज़ चैनल खोल के बैठे हो, वहाँ पे आपको किसी ने बोला दैट बाय दिस एक्स वाई जेड स्टॉक, आपने उसको बाय कर लिया एक्सपेक्टिंग दैट इट विल गो अप, आपने उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करा कि वो नीचे भी जा सकता है। सो ऑन दी फर्स्ट टाइम इटसेल्फ आपका टेक्निकली कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है, सो यू आर जस्ट होल्डिंग दैट स्टॉक और आप बैठे हो, ऊपर जाएगा तो ठीक है, नीचे आएगा तो हम होल्ड करेंगे, राइट? विच इज़ रॉन्ग। यू नीड टू हैव अ पॉइंट जहाँ पर आपको पता हो कि मुझे अपने लॉस को बुक करना,
एंड ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको ये भी अभी समझाऊंगा मैथमेटिकली टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना कैसे जाता है. ओके, अब इसका क्या क्या तरीके होते हैं, आई टेल यू दैट नाउ. तो देर आर सम मेथड्स टू एंटर इन अ स्टॉक जहाँ पर आपका यू कैन से कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. सो द फर्स्ट इज दैट यू कैन लुक फॉर अ इनसाइड बार. वॉट इज अ इनसाइड बार? लेट से कि एनी बार, बेसिकली मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ. लेट से एक कैंडल ऐसी है एंड जो अगली कैंडल बन रही है, वन सेकेंड थोड़ा सा फोकस हट रहा है. ओके, सो लेट से इनसाइड कैंडल है. इनसाइड कैंडल होती है कि एक कैंडल जो पिछली कैंडल के पूरी तरीके से अंदर है. ओके, इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल. तो यहाँ पर व्हाट हैपन इज, लोग बोलते हैं कि अगर आप इसके ऊपर एंटर करो और यहाँ का स्टॉप लॉस रखो तो इट इज़ अ बेसिकली अ स्ट्रैटेजी. ठीक है, आई डोंट यूज इट एंड बट द पॉइंट इज यू नीड टू हैव, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल बेसिकली, कि आपके स्ट्रैटेजी में एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आपका लॉस छोटा ही होना चाहिए. सो अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाऊँ किसी चार्ट में जाके, आई डोंट यूज इट बट मिल जाएगा एग्जाम्पल. या हेयर इट इज. तो अगर आप, वन सेकेंड लेट मी क्लीन इट. सो जी, अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को देखो, दिस इज़ बेसिकली इनसाइड बार. वाई? क्योंकि ये जो कैंडल है इसका हाई पिछले हाई से नीचे है, इसका लो पिछले लो से ऊपर है. राइट, तो अगर आप लेट से यहाँ पर एंटर कर रहे हो एंड यू आर कीपिंग अ स्टॉप लॉस हेयर, तो आपका एक चीज़ तो हो गया ना कि जो मेरा लॉस है वो बहुत छोटा है. अब स्टॉक सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, अलॉट ऑफ अदर थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट अभी हम मेन जो फोकस कर रहे हैं वो इस इक्वेशन पे कर रहे हैं कि कैसे प्रॉफिट्स को बड़ा कर सकते हैं, लॉसेस को छोटा कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप इसको फॉलो करोगे, देखो उसके बाद जो मूव आया, लेट से अगर आपने यहाँ तक भी कैप्चर करा, सो द होल पॉइंट इज कि अगर आपका लॉस होता तो वो टेक्निकली 4% का होता, और अगर आप यहाँ तक भी कैप्चर कर पा रहे हो तो यू आर एबल टू कैप्चर 25%. विच मीन्स कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा मेथड है, सो योर प्रॉफिट्स आर 6 times देन योर लॉसेस, विच इज अ पॉजिटिव इक्वेशन, और यू कैन से विच विल हेल्प यू टू कीप अ पॉजिटिव इक्वेशन. ओके, एंड आई होप दिस इज क्लियर, बट स्टिल यू माइट बी कन्फ्यूज, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग इन सम नंबर्स सो दैट आपको और क्लैरिटी आए. अब बट इसको समझाने से पहले एक आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ. सो वॉट हैपन इज कि अ लॉट ऑफ पीपल वॉट दे थिंक इज कि उनको लगता है कि यार अगर मैं इधर किसी स्टॉक को बाय कर रहा हूँ, वन सेकेंड, और वो स्टॉक इधर चला जाए, और अगर मैं उसमें यहाँ पर लेट से लॉस बुक कर लूँ और उसके बाद वो ऊपर चला जाए, सो वो लोग रिग्रेट बहुत करते हैं. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, कि स्टॉक अगर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जा भी रहा है, और अगर आपने यहाँ पर लॉस बुक कर भी लिया, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू री एंटर हियर. राइट, बट अब यहाँ पर कुछ लोग होते हैं वो अपना दिमाग लगाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई अगर मुझे री एंटर करना ही है तो मैं एग्जिट क्यों करूँ, मैं होल्ड ही कर लेता हूँ. अगर मेरा सेटअप बन रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, सो मैं होल्ड ही कर लेता हूँ. बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि होल्ड करना इज़ वाई बैड एंड वाई यू हैव टू बुक लॉसेस. क्योंकि मैथमेटिकली समझते, लेट से आपने यहाँ पे बाय करा, स्टॉक यहाँ तक नीचे आ गया. राइट, अब आप सोच रहे हो कि यार ये घूम के चला ही जाएगा, लेट से वो चला भी गया, सो आपने यहाँ पे प्रॉफिट भी कमा लिया. अब नेक्स्ट ट्रेड आया, लेट से आपने यहाँ पे 10% कमा लिया. अब नेक्स्ट ट्रेड आया, आपने यहाँ पे बाय करा, वो यहाँ पर गया, आपने फिर अपना लॉस बुक नहीं करा और वो मान लो फिर ऊपर चला गया, आपने मान लो फिर से प्रॉफिट कमा लिया. बट नाउ द थर्ड टाइम जब आपने यहाँ पे बाय करा और स्टॉक यहाँ तक आया, नाउ यू आर थिंकिंग कि यार ये भी चला ही जाएगा, अभी तक मेरा 2 बार स्टॉक जा चुका है ऊपर, तो तीसरी बार भी जाना ही चाहिए ना. राइट, बट दिस टाइम व्हाट हैपेंस, वो नीचे जाता रहा, लेट से वो 40% नीचे चला गया. आपने यहाँ पे 10% कमाया, यहाँ पे आपने 40% लूज कर दिया. विच मीन्स कि आपकी जो इक्वेशन है, जो आपकी प्रॉफिटेबल होने की इक्वेशन है, जो मैंने आपको अभी एकदम सिंपल वर्ड्स में बताई है, दैट यू हैव टू कीप योर प्रॉफिट्स बिगर देन योर लॉसेस, वो इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई एंड यू विल बिकम अ लॉस मेकिंग ट्रेडर इवेंचुअली, दैट इज़ गारंटेड. अब मैं ये तो आप समझ गए कि यार लॉस बुक करना इंपॉर्टेंट क्यों है.
अब मैं आपको बताता हूँ कि कितनी एक्यूरेसी इज इनफ, क्योंकि लोगों को लगता है यार प्रॉफिट्स को बड़े करने के चक्कर में हम तो लॉसेस ही लेते रहेंगे, और अगर मेरे लेट से मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ प्रॉफिट्स को बड़ा करने के चक्कर में, लॉसेस को छोटा करने के चक्कर में, अगर मैंने उन 10 में से लेट से 6-7-8 ट्रेड में लॉस कर दिया तो मेरा क्या होगा, राइट? सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि कुछ भी नहीं होगा. सो अगर मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊँ, सो मेरा स्टॉप लॉस इज एवरेज 3%. एवरेज प्रॉफिटेबल ट्रेड आर लाइक 15-20%. समटाइम्स देयर आर सम ट्रेड जो 100% भी जाते हैं, 70% भी जाते हैं, 200% भी जाते हैं. कोचिन शिपयार्ड वॉज वन ऑफ दैट ट्रेड. इट वेंट अप बाई 200% इन लाइक आई गेस 4-5 मंथ्स. एंड BSC वॉज वन ऑफ द ट्रेड लास्ट ईयर. बल्लू फोर्ज वॉज वन ऑफ द ट्रेड 150%. सो अलॉट ऑफ ट्रेड लाइक दैट ऑल्सो कम, बट एक एवरेज लेते हैं. अब लेट से आपको लग रहा है यार अगर मैं अपने प्रॉफिट्स को बड़ा करूँ और अपने लॉसेज को छोटा करूँ और उसके चक्कर में मेरे बड़े सारे स्टॉप लॉसेज हिट हो जाएंगे तो मेरी एक्यूरेसी बहुत कम आ जाएगी. बट नाउ माई पॉइंट इज कि कितनी ही आ जाएगी, राइट? लेट से कि आपकी एक्यूरेसी आ गई 50% पे. आपने 100 ट्रेड्स लिए एंड आउट ऑफ दैट 100 ट्रेड्स आपके 50 ट्रेड्स ठीक गए और आपके 50 ट्रेड्स गलत गए. लेट्स टेक अ इमेजिनरी कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज. लेट से यू रिस्क 1% ऑफ योर कैपिटल इन 1 ट्रेड विच इज बेसिकली 10,000 रुपीज. वेन यू लूज मनी यू लूज 3%, जो मैंने आपको समझाया कि आपके एवरेज लॉसेज छोटे होने चाहिए. सो 3% कैन बी कंसिडर्ड एट 1 आर. वेन यू मेक मनी यू मेक 15% विच इज 5 आर. सो वेन यू लूज मनी यू लूज 10,000 रुपीज एंड वेन यू मेक 5 टाइम्स इन दैट विच इज 50,000 रुपीज. सो इन 50 ट्रेड्स इफ यू लूज 10,000 ईच यू आर गोइंग टू लूज 5 लाख रुपीज. इन 50 ट्रेड्स इफ यू आर गोइंग टू मेक 50,000 ईच यू आर गोइंग टू मेक 25 लाख रुपीज. विथ 50% एक्यूरेसी ऑल्सो यू कैन मेक 20 लाख रुपीज ऑन अ 10 लाख कैपिटल आफ्टर 100 ट्रेड्स इफ योर एक्यूरेसी इज ओनली 50%. एंड दिस इज हाउ यू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. आपकी बेसिक मैथ्स ही वीक है बिकॉज ऑफ विच यू आर मेकिंग लॉसेस, राइट? आप लोग जो लॉस को बुक नहीं करते हो, प्रॉफिट को जल्दी ले लेते हो, दैट इज द रीजन यू आर इन लॉसेस. अब लेट से आप मुझे बोले यार देंगे तो चल तेरी स्ट्रैटेजी है 1:5, वी आर बिगनर ट्रेडर, हमारी इतनी नहीं हो सकती. लेट से आपकी अगर 1:2 भी है, 1:2 तो बहुत लोगों की होती है, बट द प्रॉब्लम इज दैट दे डोंट बुक देयर लॉसेज अर्ली, राइट? वो अपने लॉसेज को होल्ड करते हैं जिन 2-4 लॉसेज की वजह से उनका जो PNL है वो बहुत नेगेटिव में चला जाता है, राइट? एंड ऑल्सो आई टेल यू इन दी एंड कि आप कैसे अपने नंबर को इम्प्रूव कर सकते हो इवन आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग. लेट से आपके 100 ट्रेड है, आपकी एक्यूरेसी इज 50%. 50 ट्रेड्स आर राइट, 50 ट्रेड्स आर रॉन्ग. वेन यू आर लूजिंग मनी यू आर लूजिंग 10,000, वेन यू आर मेकिंग मनी यू आर मेकिंग 20,000. सो इन दोज 50 ट्रेड्स यू आर गोइंग टू लूज 5 लाख रुपीज. इन दोज 50 ट्रेड्स विच आर योर विन ट्रेड्स यू आर गोइंग टू मेक 10 लाख रुपीज. देन ऑल्सो यू कैन मेक 5 लाख रुपीज ऑन 10 लाख कैपिटल आफ्टर 100 ट्रेड्स. सो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ये एक चीज़ क्लियर होगी होगी कि आप लोगों को लगता है कि आपकी एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो एक्यूरेसी है, एनालिसिस है एंड ऑल दीज थिंग्स. वो भी हो सकती है प्रॉब्लम आपकी, बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, प्रॉफिटेबल और यू कैन से रिच बाई ट्रेडिंग, दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट योर प्रॉफिट शुड बी वे बिगर देन योर लॉसेस. ओके, सो अब मैं आपको एक हैक बताता हूँ कि आप कैसे इसको अपनी लाइफ ट्रेडिंग में लॉजिकली या फिर कह लो प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो. सो राइट डाउन ऑन योर वॉल, ऑन योर ट्रेडिंग डेस्क, और अगर आप लैपटॉप में ट्रेड करते हो तो उसका वॉल पेपर पर लिख लो दैट बिफोर टेकिंग ट्रेड्स जस्ट आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन. Is my profits greater than losses equation
सेटिस्फाइड। अगर आप अपने आप से सिर्फ एक ये क्वेश्चन पूछ लोगे, क्योंकि लेट से कभी आपको मन कर रहा है किसी ट्रेड लेने का जिसमें आपको ट्रेड मतलब आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, ओके सब कुछ आपके साइड में है, एनालिसिस आपके साइड में है, फंडामेंटल बहुत अच्छे है, आपको लिटरली लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, बट वो ऑलरेडी लेट से आपको एंटर करना था जब वो 5% ऊपर है फॉर लेट से 10% गेन, बट जब तक आप एंटर करते वो 10% ऊपर जा चुका है, आपने तब भी एंटर करा बिकॉज आप बहुत श्योर हो फॉर दैट 5% गेन। आई कैन गारंटी यू कि उस ट्रेड में आप प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ आई डोंट नो, बट अगर आप ऐसा बार बार करोगे तो आपकी जो वो इक्वेशन है ना वो गलत जा रही है, क्योंकि इसमें अगर आप देखो इक्वेशन क्या बनी कि अगर आपका लॉस होगा तो आपका 10% जाएगा, राइट, बिकॉज आप बहुत श्योर हो तो विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑन द लोअर ऑफ दैट, राइट, एंड इफ यू विल मेक मनी, अगर आपका ट्रेड ठीक जाएगा यू आर गोइंग टू मेक 5%। सो ये जो आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड का यहाँ पे इक्वेशन आया वो 0.5 का आया, विच मीन्स कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है वो कम हो रहा है, लॉसेज हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है, जो यहाँ पर पॉजिटिव था। तो एनालिसिस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज राइट, स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू बिकम प्रॉफिटेबल क्योंकि आपका जो कोर कॉन्सेप्ट है वही नहीं समझे। नाउ यू माइट बी थिंकिंग यार हार्दिक इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करनी है एंड अपने डाउन साइड को कैसे मैनेज करना है, जब बैक टू बैक लॉसेज हो रहे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, स्टॉक्स को ढूंढना कैसे है, सिलेक्शन तो ढूंढने के बाद होती है, लेट से ढूंढने से मतलब आपने 10 स्टॉक ढूंढे, अब उन 10 में से कौन सा सिलेक्ट करना है दैट इज स्टॉक सिलेक्शन, कैसा माइंडसेट रखना है ट्रेडिंग करते हुए, एग्जैक्टली एंटर का करना है, एग्जैक्टली एंटर एग्जिट का करना है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट द कोर बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके पीछे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बनोगे या ना बनोगे वो डिपेंड करता है, दैट इज दैट योर प्रॉफिट शुड बी बिगर देन योर लॉसेस। थैंक यू, गुड बाय।